हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू एग्जाम स्टडी। मैं जयंत मिश्रा एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। आज इस वीडियो में बात करेंगे कुछ स्पेशल सीजीएल 2018 मेंस के बारे में। ठीक, देखिए पढ़ाई तो होती रहती है, कुछ चीज़ें स्ट्रेटजी टिप्स क्या बोलूँ, जो रियलिटी है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो अब तक मैंने दो बार मेंस दिया है क्या रहा अभी तक। देखिए होता क्या था, सबसे पहली चीज़ तो कि जो अब अगर आपको कोई नया क्वेश्चन आप सोचते हैं कि नहीं प्रैक्टिस करनी है यार कुछ नया पढ़ना है तो अब वो छोड़िए, कल से एग्ज़ाम शुरू हैं। हालांकि ज़्यादातर के 13 को ही हैं, जैसा मुझे अभी तक ज़्यादातर का पता चला है 13 को ही है उनके। 14 को आपका पेपर 4 होगा डबल ए वाला, इकोनॉमिक्स और फिनांस का जो एग्ज़ाम होता है। ठीक है, हालांकि वो 170 प्लस वालों के होंगे सारे। तो देखिए मेन जो है क्या कि अब नया छोड़िए, आप जो बेसिक फॉर्मूले बचे हैं उन्हीं को भले देख डालिए, बल्कि अब तो देखिए भी मत। मैं तो कहता हूँ जिनका कल है वो मस्त शाम को कहीं घूमो जाके, बढ़िया रात में सो, आराम से सुबह जाओ। ठीक है, अब टेंशन नहीं लेना अपने आप को। और दूसरी बात, उसके बाद टेंशन तो हर एग्ज़ाम में होता है कि उसको नहीं लेना है, अपने आप को पॉजिटिवली सोचो। दूसरी बात, अभी तक क्या था, जैसे सीजीएल 2017 मेंस में हुआ कि एग्ज़ाम कठिन आया, 19 वाले जो एग्ज़ाम थे 20 वाला वो बहुत कठिन आया, और 9 मार्च को जो री एग्ज़ाम हुआ था वो काफ़ी इजी आ गया। तो उसमें लोगों को टेंशन हो जाती थी कि यार मेरा तो कठिन आया, मार्क्स कम आएंगे। तो इस बार का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर आपका एग्ज़ाम कठिन है तो डरने की कोई बात नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होगा, आपके मार्क्स पक्का बढ़ेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, अगर आपका पेपर ज़्यादा टफ है तो अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपने देखा भी होगा टायर वन की अगर हम बात कर लें तो देखिए कि लड़कों के कम से मैंने 48 तक का मिला हूँ, मैं 48 मार्क्स बढ़े हैं एक बच्चे के। ठीक है, तो सोचिए कि पेपर टफ आएगा तो फ़ायदा ही होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ईजी क्वेश्चन तो सब कर लेंगे, उसमें तो मार्क्स एवरेज एक बराबर हो जाएगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में यही होता है कि अगर आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़िया है, मतलब आप अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से प्रिपरेशन की है आपने, तो नॉर्मल एवरेज प्लस के भी क्वेश्चन हो जाएंगे, जो बहुत ही हार्ड हों वही भले बाय चांस ना हो पाए। हालांकि हार्ड क्वेश्चन, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई होता ही नहीं है, क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस की वजह से हार्ड या ईजी हो जाता है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपको हार्ड लगेगा, और अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आपको बहुत ईजी लगेगा। तो ये हुई नॉर्मलाइजेशन की बात, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पेपर अगर टफ आता है तो अपना आपा मत खोइएगा कि यार हाय राम, वहाँ पर मैंने दो चार को देखा, सीजीएल 2017 का जब मैं एग्ज़ाम खुद दे रहा था तब मैंने दो चार को देखा कि वहाँ पर माथा पकड़ के बैठ गए, हाय यार ये क्या हो गया, ये वो फलाना ढिमका। तो देखिए अब तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होना है, अगर पेपर टफ आएगा तो मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए अगर पेपर वन पेपर टू की बात करें अलग अलग, तो पहला पेपर होगा आपका मैथमेटिक्स, 100 क्वेश्चन, 200 नंबर का पेपर, 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन आपका होगा। इसमें नॉर्मल जो एक रेशियो होता है वो 60:40 होता है अर्थमेटिक और एडवांस का। अर्थमेटिक में जो जैसे कुछ अगर लेंदी क्वेश्चन, जैसे कि पिछली बार DI बहुत ही ज़्यादा वो आई थी, तो DI में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। अगर आपको लंबा ज़्यादा लगता है तो उसको लास्ट के लिए रखिएगा। पहले क्वेश्चन देखिए वही वो नॉर्मल हमारा जो वही क्लास 1 से हमें सिखाया जा रहा है उसी पैटर्न को फॉलो करिए। क्या क्वेश्चन देखा, अगर आपको लगता है कि नहीं तुरंत होगा तो सॉल्व करा, तुरंत सॉल्व करके आंसर। अगर आपको लगता है नहीं इस पर टाइम लगेगा तो छोड़ो, आगे बढ़ो। ठीक, ये करते चलो। क्यों? क्योंकि देखिए जो पहले वाले आ रहे हैं, देखिए टाइम फैक्टर बहुत होता है। रीज़न क्या है इसका, मैं ये बताता हूँ आपको। मान लीजिए शुरू के 12, 13 या 15 क्वेश्चन ही टफ आ गए, वो तो आपके में है, सब में ऐसे मतलब मिक्सअप रहता है, कोई सीरियल तो रहता नहीं है। 12-15 क्वेश्चन ही अगर आपके टफ आ गए तो आप क्या करेंगे, आपको उन्हीं क्वेश्चंस में मान लीजिए इमेजिन कीजिए लगभग लग गया हर क्वेश्चन में 1 से 1.5 मिनट, बढ़िया क्वेश्चन थे, 1 से 1.5 मिनट लग गया, तो 15 क्वेश्चन में लगभग आपको 18 से 20 मिनट लग जाएंगे। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपकी मेंटेलिटी उस टाइम पे क्या होगी कि अगर आप टाइम देखें कि 20 मिनट में तो यार 15 ही क्वेश्चन हो पाए, तो बाकी टाइम इतना कम बचा, अब इतने ज़्यादा क्वेश्चन करने। इस वजह से मैं कह रहा हूँ जो क्वेश्चंस इजी हैं उन पे पहले अप्रोच कीजिए, जो टफ लग रहे हैं आपको उनको स्किप कीजिए, लास्ट में करेंगे, लास्ट में टाइम बहुत बच जाएगा। नॉर्मल सी बात है, इजी क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में बताया भी था, अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं 100 में 60 तो ऐसे होंगे जो ईजिली हो जाएंगे, वो 60 का आप टारगेट कीजिए कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर, बल्कि 50 मिनट के आसपास आपको ख़त्म करने हैं। तो अगर जो बाकी के 40 जो बढ़िया क्वेश्चन हैं उनके लिए आपके पास 1 घंटे 10 मिनट का टाइम रहेगा,
उस पे आप वर्क कीजिए। ये स्ट्रैटेजी मेरी रहती है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आप अपनी रख सकते हैं, बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। ये हो गई मैथ की बात। इंग्लिश, इंग्लिश में आपको पता होगा एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो आता है, ठीक है, ये पोर्शन, ये लगभग हमारे 50 के आसपास आ जाते हैं, 45 to 47 क्वेश्चंस आते हैं लगभग, तो उसमें आपको ध्यान देना है, वो तो गलत होने ही नहीं चाहिए। देखिए इंग्लिश में यही दो चीज़ें होती हैं, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये दो, और लास्ट में कॉम्प्रीहेंशन पैसेज और क्लोज टेस्ट, ये तो गलत होने ही नहीं चाहिए, इसमें तो 100 out of 100 आपके आने ही चाहिए। यही स्कोरिंग पार्ट होता है, क्योंकि ग्रामर में एरर के चांसेस होते हैं थोड़े बहुत, बट इसमें एरर के चांसेस बहुत कम, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो एरर के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा वो कैप्स तो वही है, लर्न होंगी तो होंगी, नहीं होंगी तो छोड़ दीजिएगा, निगेटिव क्वेश्चन है वो तो आपको पता ही होगा। तो ये हो गई हमारी बेसिक बात। ठीक, अब हम बात करते हैं वही क्या कि SSC पुराने ट्रैक पर लौट आया है। उसने जैसा कि वादा किया था कि 11 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में SSC CGL 2018 मेंस के एग्ज़ाम वो कराएगा, तो वो करा रहा है, और बहुत अच्छी बात है। यकीन मानिए 2017 के जो विक्टिम्स हैं उनसे पूछिए कि दो साल कोई एग्ज़ाम तक देने को नहीं मिला, क्या फील होगा, आप खुद सोचिए यार। घर में भी लोग कहते हैं कि यार पढ़ो पढ़ो, तो दिमाग में तो यही आता है ना कि यार एग्ज़ाम तो है नहीं, पढ़ेंगे किस लिए। ठीक, तो अब SSC लौट आया ट्रैक पर, बहुत अच्छी बात है, सबके लिए खुशी की बात है। आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, क्यों, क्योंकि अगर जो आगे के स्टूडेंट्स हैं जो इसमें हैं उनको तो होना ही है। अपने आप पे पॉजिटिव अप्रोच रखिए कि नहीं एग्ज़ाम अच्छा होगा, मैं अच्छा करके आऊँगा। आपने प्रिपरेशन अच्छी की है तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, सबसे बड़ी बात। ठीक, अगर प्रिपरेशन में कमी है तो फिर किस्मत को दोष मत दीजिएगा। दूसरी बात कि ये भाई SSC वाली कि अगर ट्रैक पे लौट आया है तो CGL 2019 का नोटिफिकेशन आने वाला है, मंथ के एंड तक आ जाएगा, उसी नोटिफिकेशन के हिसाब से हम नया बैच स्टार्ट करेंगे। एक एक वीडियो, मैं हूँ अभिनव सर, शुभम सर हैं, ठीक, सारे वीडियो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के डालेंगे, उसमें हम बेसिक से तैयारी कराएंगे हर एक चीज़ की। तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है सभी के लिए। मेरी और एग्ज़ाम स्टडी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, प्रिपरेशन करते रहिए। अब तो वही है प्रिपरेशन, ये जो मेंस वाले हैं इनको छोड़ के, क्यों, क्योंकि इनकी प्रिपरेशन तो हो गई, आगे के लिए वो भले करें, बाकी इसके लिए आप पॉजिटिव अप्रोच रखिए, एक सिलेक्शन मिलेगा, हम इंस्पेक्टर बनेंगे, सब बने। ठीक है, पढ़ते रहिए, देखते रहिए चैनल हमारा एग्ज़ाम स्टडी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम बेस्ट ऑफ लक, जितनी भी दुआएँ मैं आपको दे सकता हूँ वो सारी दुआएँ आपको देता हूँ एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से एग्ज़ाम करके आइए, और रिव्यू हमें ज़रूर बताइए कैसा पेपर था, हमें मैसेज करिए क्वेश्चन का लेवल क्या था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एग्ज़ाम स्टडी को, आगे की अपडेट्स के लिए। थैंक यू।